एक्सिस हेल्थ इंटरनेशनल सरकार के सहयोगी के रूप में प्रदेश में आयुष्मान योजना में काम कर रही है। एएचआई के सीईओ डॉक्टर एन कृष्णा रेड्डी ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बताया कि हर व्यक्ति को हेल्थ कवर देने के लिए वृहद योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक होना चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी बीमारी का इलाज अच्छे से करा सके। यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए कैसे कुछ काम किया जा रहा है, एएचआई के द्वारा सरकार के साथ मिलकर किस तरीके से हेल्थ सेक्टर को सुधार करने के लिए काम किया जा रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं एएचआई के सीईओ डॉक्टर रेड्डी जी, उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर रेड्डी जी, उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाजे से सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ नीड्स हैं और खासतौर से आयुष्मान योजना के तहत जो कवर दिया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय में और क्या तैयारियों की जरूरत है और आप किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ये जो आयुष्मान की इम्प्लीमेंटेशन है, ये तो बहुत लार्ज प्रोग्राम है। जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है करने के लिए, सुधारने के लिए और ये हेल्थ केयर इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली ये जो फाइनेंशियल की प्रॉब्लम्स रहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए, तो वो इरादा शुरू होता है कि पहले आदमियों को ट्रेनिंग करना है कैसे इसको पूरा हैंडल करना है। और जो बेनिफिशियरीज है, जो भी आइडेंटिफाई किए हैं बेनिफिशियरीज है, उसको कैसा मालूम होना है कि मुझे बेनिफिट है, और बहुत लोगों को वो मालूम नहीं है, और ये भी मालूम नहीं है कि वो बेनिफिट बोले तो क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है या नज़दीक हॉस्पिटल में जाना है या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, वो क्या बेनिफिट है वो पता नहीं चलता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि वो अवेयरनेस कैसा क्रिएट करें। नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो एम्पैनलमेंट करना है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उनको भी ये पता करना है कि ये प्रोग्राम को कैसा मैनेज करें। जब पेशेंट आता है, बेनिफिशियरी पेशेंट आता है, फिर वो पूरा रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट करना है, क्लेम्स करना है, ये बड़ा प्रोसेस है। बहुत हॉस्पिटल्स को वो एक्सपीरियंस नहीं रहता है, पब्लिक हॉस्पिटल, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल को भी पेमेंट हो रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी, जहां पर पेशेंट को नज़दीक है वो जा सकते हैं, वो फ्रीडम है कि कहीं पर भी जा सकते हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के मद्देनजर क्या कुछ चुनौतियां हैं, उसके समाधान के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं, मेरा असेसमेंट है और बात करने से भी असेसमेंट है कि जो ऑलरेडी अनाउंस करे हैं, कुछ प्रोग्राम्स है डायरेक्टली हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए चार प्रोग्राम्स है। एक तो आयुष्मान भारत, ये जन आरोग्य योजना है, ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का। दूसरा है अभी आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर का, वो जो 150,000 आरोग्य मंदिर है, उससे ये होता है कि जो पहले प्राइमरी हेल्थ केयर था वो खाली मदर केयर का, वो प्रेग्नेंट लेडीज का, बच्चों का, वैक्सीनेशन का ही देखते थे, मगर आजकल तो बीमारियां अलग है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट का है, तो जो आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, जो हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, यदि वो आप उसको सुधारें और पेशेंट्स अपना 90% रिक्वायरमेंट्स वहीं से ली, खाली हॉस्पिटल के लिए 2% 3% की जरूरत है, तो हॉस्पिटल के लिए ये जन आरोग्य योजना है, और रूटीन के लिए जो आउट पेशेंट के लिए ये आरोग्य मंदिर है, तो ये दोनों के बीच में आप जो बोले हैं कि सबको कवर होना है, ये सबको कवर है, सो 90% जो आरोग्य मंदिर से मिल रहा है, मगर इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मूवी डायरेक्टर रहते हैं, सबको डायरेक्ट करता है, तो हमारा रोल वैसा है, वो डिफरेंट एक्टर्स है, सभी चीजों का सामंजस्य मिलाकर हमें आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर रेड्डी थे जिन्होंने दूरदर्शन से खास बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल हेल्थ में बीमारी ना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर बीमारी हो जाती है तो आसानी से कैसे उसका इलाज हो सकता है, और इसके साथ साथ हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, बीमार ना हो, इस पर भी काम करने की जरूरत है। कैमरामैन दिनेश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज लखनऊ।